मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन बट बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या अस्थमा के बारे में। हमारे देश में ये आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, लगभग 10 मिलियन लोग पर ईयर इस परेशानी से ग्रसित रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं ये आजकल कितनी गंभीर बीमारी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अस्थमा क्या होता है, इसके हमें कैसे लक्षण देखने को मिलेंगे, क्या क्या इसके पीछे कारण होंगे जिसके वजह से अस्थमा हो सकता है। साथ ही साथ आज बहुत ही यूज़फुल मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताने वाली हूँ, जिसका एक कॉम्बिनेशन है जिसको यूज़ करके दोस्तों आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं अस्थमा की परेशानी में। तो दोस्तों देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं अस्थमा के बारे में। दोस्तों अस्थमा एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन है जिसमें जो इंसान है उसका जो ये एयर पैसेज होता है, ये जो ट्राकिया होता है दोस्तों जिससे हम सांस अंदर इनहेल करते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे जो उस आपका जो ये एयर पाइप है, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, ये ट्राकिया होता है, उसमें वो नैरो होने लगता है, सिकुड़ जाता है बिल्कुल, और वहाँ स्वेलिंग आने लगती है। और इन सिचुएशन की वजह से वहाँ जो म्यूकस है वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है और वो म्यूकस भी वहाँ इकट्ठा होने लग जाता है और उसकी वजह से जो इंसान है उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है दोस्तों ये एक COPD डिजीज़ है, मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है। मतलब क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चली आ रही एक बीमारी है, ये एकदम एक्यूट कभी किसी को नहीं होता, धीरे 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 आपके शरीर में बढ़ता है। अगर इसके हम कारणों के बारे में बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे, तो एक जेनेटिकल भी इसका कारण है दोस्तों, कि अगर आपके पेरेंट्स में या आपके दादा दादी में, नाना नानी में किसी में भी अस्थमा की सिचुएशन रही है या बीमारी रही है तो आप भी थोड़े उसके लिए प्रोन हो जाते हैं कि आपको भी होने की सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। फिर हो गया अगर आपको कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, सपोज निमोनिया हुआ है, फ्लू हुआ है, स्पेशली बच्चों में दोस्तों, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो इन्फेक्शन अगर नीचे तक सेटल्ड है तो धीरे धीरे बाद में जाके वो अस्थमा कॉज करने लग जाता है। कुछ लोगों में अगर जैसे एलर्जिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे डस्ट एलर्जिक है, कोल्ड एलर्जिक बहुत ज़्यादा है, या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एलर्जिक है, एलर्जी स्किन डिजीजेस के बाद भी बहुत लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनमें अस्थमा डेवलप होने लग गया है दोस्तों। बहुत सारे लोगों में दोस्तों जो एस इम्यून अगर प्रॉपर नहीं काम करता, लाइक स्पेशली आजकल जो सिटीज़ के बच्चे हैं वो बहुत हाइजीन मेंटेन करके रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आपकी इम्यूनिटी बहुत धीरे धीरे वीक होती जाती है, क्योंकि आपको वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन से फाइट करने का एक्सपोजर ही नहीं मिलता। बच्चे इतने ज़्यादा पैम्पर करके रखे जाते हैं कि जैसे ही अगर वो थोड़ा सा अपनी फेवरेबल या अपनी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं उनको तुरंत कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम आने लग जाती है दोस्तों। कुछ डिजीज़ की वजह से भी परेशानी होती है दोस्तों, जैसे कार्डियक फेलवर हो गया या हार्ट फेलवर के बारे बाद, या फिर एलर्जिक राइनाइटिस है, इन सब डिजीज़ के बाद भी बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेशेंट में अस्थमा डेवलप होने लग जाता है दोस्तों। दोस्तों ये तो हो गया इनके कारणों के बारे में बात, अब हम कुछ इनके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे सिम्टम्स आपको दिखेंगे अगर आप अस्थमेटिक हैं या आपके घर में कोई अस्थमा पेशेंट है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है ब्रीथलेसनेस, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी आपके अंदर, कि मतलब बहुत गहरी सांस नहीं ले पाएं, थोड़ा सा भी अगर पेशेंट चल रहा है, सीढ़ी चढ़ रहा है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, और सांस फूलने की वजह से कभी कभी उसको एकदम घबराहट बेचैनी सी लगने लगेगी, पसीना आने लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट मैंने ऐसे देखे जब उनको अस्थमेटिक अटैक आता है, एकदम चेहरा बिल्कुल नीला सा पड़ने लगता है, अजीब सी उलझन सी होती है उनको, बहुत सारे लोग लेट नहीं पाते हैं बिल्कुल, अगर लेटे तो उनको बहुत उलझन होती, सांस लेते नहीं बनता, वो हमेशा बार बार उठ के बैठ जाते हैं।
थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कर ली या थोड़ा मूवमेंट कर लिया तो उन बहुत लोगों में खांसी आने की टेंडेंसी देखी गई है। जैसे थोड़ा सा भी हंसा भी पेशेंट बात करते करते अगर हंस रहा है तो तुरंत खांसी अंदर से आने लग जाएगी। अगर आप स्टेथोस्कोप लगवा के सुने तो अंदर से एक वीजिंग साउंड आएगा, एक सी सी जैसा साउंड आता है, सीटी जैसा साउंड आता है, ऐसा साउंड आएगा एक पेशेंट में। कभी कभी इंसान सोता रहता तो भी वो सीटी जैसा साउंड आता रहता है दोस्तों पेशेंट्स में। तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे सिम्टम्स हर अस्थमेटिक पेशेंट में मिलेंगे या इतने ही सिम्टम्स मिलेंगे, बहुत सारे पेशेंट में और भी कई सारे सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत लोगों में अस्थमेटिक अटैक के दौरान उल्टी भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा म्यूकस डिपोजिशन हो जाता है, घड़ घड़ जैसा साउंड आता है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है और खांसने पे बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चिपका हुआ बलगम लिकन ले रहा है, गले में कंस्ट्रक्शन जैसा फील होता है, ऐसा लगता है गला मतलब दबा सा है। ये सारे ही सिम्टम्स दोस्तों अस्थमा के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही सिम्टम्स सारे अस्थमेटिक पेशेंट में मिलते हैं। ये डिपेंड करता है किसी में कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलता है, किसी में कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलता है। दोस्तों ये हो गई अस्थमा के बारे में बात। अब चलिए शुरू करते हैं हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लान। दोस्तों आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताऊंगी। दोस्तों ये इतना अच्छा काम करता है, आप बिलीव करिए, मैं अपने 90% पेशेंट्स को ये देती हूँ, साथ में उनके साथ कुछ और मेडिसिन भी ऐड करके देती हूँ, लेकिन उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है विद इन अ वीक। एकदम मतलब मैं ये नहीं बोलूँ कि वो एकदम से ठीक हो जाते हैं, लेकिन विद इन अ वीक उनको बहुत ही रिलीफ लगने लग जाता है अपनी प्रॉब्लम में दोस्तों। तो चलिए उस ज़्यादा देर ना करते हुए मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा, ये देखिए दोस्तों, इसको लंग्स के लिए एक टॉनिक जैसा बोलते हैं। ये दवा दोस्तों आपके लंग्स पे इतनी अच्छी काम करती है, पेशेंट अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो जो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं दोस्तों ये उस पर जाके काम करती है, और जो क्विक अटैक आया हुआ होता है आपको, जो एकदम एक्यूट अटैक है उस पर ये दवा दोस्तों बहुत ही अच्छी काम करती है। दूसरी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन अस्थमा के लिए दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस, ये एक टॉप रेमेडी मानी जाती है अस्थमा पेशेंट्स में। बहुत ज़्यादा ब्रीथ डिफिकल्टी मिलती है पेशेंट में, जो उसमें म्यूकस होता है दोस्तों ऐसा लगता है जैसा पस जैसा जमा, उतना पीला डार्क कलर का म्यूकस मिलता है, और ये दवा इन पर बहुत ही अच्छी काम करती है। नंबर थर्ड मेडिसिन हो गई दोस्तों ग्रैंडीलिया, ये देखिए ये भी एक वन ऑफ द लाइक ये भी एक टॉप रेमेडी में आती है दोस्तों, जो स्पेशली ये अस्थमा के सिचुएशन में पेशेंट इतना ब्रीथलेस फील कर रहा है कि वो लेट नहीं पाता, हमेशा उठ उठ के बैठ जाएगा, उसको इतना ब्रीथलेसनेस फील होती है, साथ में म्यूकस एकदम डिपॉजिट सा लगता है, तो ये दवा उन पर बहुत ही अच्छी काम करेगी दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेनेगा, एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों अस्थमा स्पेशली अगर ओल्ड एज के लोगों में देखने को मिल रहा है तो ये दवा बहुत ही अच्छी काम करती है। इसमें भी ब्रीथलेस टेंडेंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, पेशेंट लेट नहीं पाता है, जो म्यूकस है वो एकदम स्टिक्ड है अंदर लंग्स में, निकलता हुआ नहीं लगता, पेशेंट एक्सर्शन देता है कहाँ से कहाँ से निकालने की कोशिश करता है, स्टिक सा होता है, निकल नहीं पाता। तो ये चारों ही दवाओं को दोस्तों आपको मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी में, और ऐसी एक बॉटल आपको यूज़ करनी है जिसमें अंदर ड्रॉपर लगा हो, और इसको आप सारी दवाओं को इनको इक्वल क्वांटिटी में डालें और इसको एक मिक्स करके एक ड्रॉप अंदर लगा के रख लें, और इसके 20-20 बूंद दोस्तों आपको एक चौथाई कप गुनगुने पानी में लेना है। आजकल ठंड है तो आप थोड़ा गुनगुने पानी में लेंगे तो ये और अच्छी इफेक्ट दिखाएगी दोस्तों। अगर आपको सडन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो आप इसकी एक एक घंटे पे डोज ले लें दोस्तों 20 बूंद की, और जब आपको सिम्टम्स थोड़े से इम्प्रूव हुए लगे तो आप इसको फिर दिन में 3 बार लेना शुरू कर ले दोस्तों। या फिर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, आपको मतलब लंबे समय से अस्थमा की प्रॉब्लम है ही है, तो आप इसकी 20 बूंद एक चौथाई कप गुनगुने पानी में दिन भर 3 बार लें, और या फिर आपको ये अभी बहुत ज़्यादा सीवियरिटी में है तो आप इसकी एक एक घंटे पर भी डोज ले सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों एक मैं ये शोबे का ग्रैंडेलिया पेंटार्गन आपको रिकमेंड करूंगी दोस्तों, ये स्पेसिफिक है एलर्जिक ब्रोंकाइटिस एंड
ब्रीथ ट्रबल्स ट्रबल्स के लिए मेडिसिन दोस्तों, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है जिनमें बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस वाली सिचुएशन आ जाती है अस्थमा पेशेंट्स में, ये दवा उन पर बहुत ही अच्छी काम करती है। तो आपको इसकी दो दो टैबलेट दिन में 3 बार खानी है, और इन दोनों ही दवाओं को दोस्तों आप लंबे समय तक, कम से कम 2 से 3 महीने तक लें दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आज आप खुद इसको फील कर पाएंगे कि आपकी जो पहले की परेशानी थी और आफ्टर टेकिंग मेडिसिन आपको कितना रिलीफ मिला है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।